अंकिता प्रकरण को लेकर तीसरी में भी भारी उबाल। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जुलूस निकालकर दोषी शाहरुख को की फांसी देने की मांग। दुमका की बेटी अंकिता कुमारी को एक युवक द्वारा पेट्रोल छिड़ककर जलाने और बाद में उसकी मौत को लेकर तीसरी प्रखंड के लोगों में भी भारी उबाल है। इसी को लेकर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान से तीसरी चौक तक दर्जनों युवाओं द्वारा जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोग नारा लगाते हुए हत्यारे शाहरुख को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे थे। लोगों ने एक स्वर में कहा कि यह घटना अक्षम्य और चिंतनीय है, ऐसे दरिंदे को समाज और दुनिया में रहने का कोई औचित्य नहीं है, लिहाजा इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मौके पर मनोज यादव, किशोरी साव, शिवशंकर साहू, प्रेम अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद थे। सोरेन की सरकार पूरी तरह से एक विफल सरकार साबित हुई है और इनके कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 32 महीनों के दौरान 5000 पूरे राज्य में खास करके बहनों के साथ बलात्कार हुआ है और दुमका जेरुआडी की जो घटना है ये पूरे झारखंड को कलंकित करने वाली घटना है और इस घटना से हम सभी राज्यवासी माने स्तब्ध हैं और इस घटना की घोर निंदा करते हैं और यह मांग करते हैं महामहिम राज्यपाल से कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो हेमंत सोरेन सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। इनके शासनकाल में विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और यहाँ की जो सरकार है वो भगवान भरोसे चल रही है। झारखंड में आम से खास लोग तक सुरक्षित नहीं है। धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या, साहेबगंज में रूपा तिर्की की हत्या और दुमका के जेरुआडी में अंकिता सिंह की हत्या, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और ये साबित करती है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है और ये सरकार तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है। एक तरफ हेमंत सोरेन जो है उपद्रवी नदीम को जो है सरकारी खर्च में एक इंडियन एयरलाइंस माने एम्बुलेंस से जो है सो उसका सरकारी खर्च पर इलाज करवाती है और वहीं पर जो है अंकिता सिंह को अपने भगवान भरोसे पर जो है उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता है। जिस समय इस घटना के बाद जिस समय अंकिता सिंह मौत से जूझ रही थी और रिम्स में उनका इलाज हो रहा था उस समय झारखंड सरकार ने उनका शुद्धि तक नहीं लिया, यहाँ तक कि उनको रिम्स में देखने के लिए भी नहीं गया और सरकार के तमाम विधायक और मंत्री और खुद हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो खूंटी के लतरातू डैम में सभी विधायकों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कितनी लापरवाह सरकार है और ये सरकार किस तरह से तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है जो आप लोगों से और राज्यवासियों से छिपा हुआ नहीं है।